ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਾਉ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਹੇ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇ ਅਧ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾ ਪਾਖਾਕ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟੇ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨ ਵਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀਓ ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨ ਵਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ
हिरदे विच उकरी जांदी है, अक्ष प्रगट हो जांदा है, साडी सुरत उहदे तक पहुँच जांदी है। पातशाह कहिंदे अठवें पातशाह दे दर्शन जे इस ढंग नाल गुरु के सिखा तू करेगा ना, श्री हर कृष्ण ध्याई है। ध्यान दे राही पातशाह नू याद करेगा, अक्ष अंदर बनेगा, इस ढंग दे नाल गुरु के दीदार करेगा, जिस डिठै सब दुख जाए, सारे दुख तेरे खत्म हो जाणगे, आत्मक तौर ते सुखी हो जावांगा। वड्डे भागां वाले गुरु के प्यारियो, जिथे सतगुरां दे प्रतख दर्शन दीदार इस अस्थान ते आप जी कर रहे हो, ते मीडिये दे राही बहुत सारियां संगतां दर्शन दीदार कर रहियां ने, आओ अपनी सुरत नूं भी गुरु चरणां नाल जोड़िए, शब्द नाल मिलाइए, मन करके संगत विच मिलण दी कोशिश करिए। जिहड़े मिलदे ने, पातशाह कहिंदे मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। सो सत संगत विच मिल के जीव तर जांदा है। ते गुरदेव पातशाह ने इस अस्थान दे उत्ते चलदी हुई लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन बाणी, सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी साहब, उन्होंने आप नूं पूरा शब्द सरवण करवाया है। गौड़ी बैरागण किस्म दे विच पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, उचारण करो धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। उन्हां दी रसना तो प्रगट होई बाणी है, ते इस बाणी दे राही रहौ वाली पंक्ति दे अंदर मेरे गुरदेव पातशाह ने जिहड़ा जिक्र कीता, साडी रूह साडी सुरत नूं साडी आत्मा नूं जगाउंदिया होया गुरदेव कह रहे ने, कहिंदे मैं बन जारन राम की, तेरा नाम बखर बापार जी। कहिंदे मैं बपारन हाँ, इस्त्री लिंग दे विच फीमेल जेंडर दे विच ए विशा चुनिया मेरे सतगुरां ने, मैं एक बपारन हाँ, एक वणजारन हाँ। ते वणजार जनी के बपार किस ढंग दा करना है, गुरमुखों किरत दे प्रमुख साधन जेडे हन, गुरु नानक देव साहिब महाराज ने उन्हां दा भी जिक्र कीता एक शब्द दे राही, कदे पढ़िओ ओ शब्द प्यार दे नाल, मन हाली किरसाणी करनी सरम पाणी तन खेत। इहदे विच चार तरह की किरत का जिक्र है, ते पहली किरत है किरसाणी जानी के खेती, बड़ी पवित्र किरत है। गुरु नानक देव साहिब महाराज ने तकरीबन 52 साल संसार के भले लई विचर के प्रचार किया, जिंदगी दे लगभग 18 आखरी साल श्री करतारपुर साहब की धरती ते अपने हथी खेती भी की है, तजर्बा सी, दुकानदारी का मोदी खाना किया होया सी, कोई शक नहीं, पर चुनिया है पवित्र किरत खेती नूं। दूसरा किरत का गुरमुखो साधन गुरदेव कहिंदे ने, कर सास्त सौदागरी सत घोड़े लै चल, भाव व्यापार का भी एक किरत का ढंग है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा है दुकानदारी, गुरदेव कह रहे ने, कहिंदे भाई तीजी किरत तू दुकानदारी कर सकदा, कर लैनी चाहीदी है, जिहो जिही किसी की लोड़ है साधन है। ते ए हाण हट कर हार जा वाले शब्द राही पंक्ति राही दर्शाया। किरत का चौथा ढंग यह है गुरमुखो चाकरी करनी, नौकरी करनी, कोई जॉब करनी, काम कोई भी होवे, जे शुद्धता जानी कि शुद्ध मन दे नाल सच्ची साफ सुथरी नीयत नाल कीता जावे, सारे ही सफले हो जाते ने। पर अज जिहड़ा जिक्र कीता ये व्यापार का दृष्टांत आधार बना के गुरदेव ने गल कीती है, बई व्यापार करदा हाँ मैं, व्यापार कुछ वक्री किस्म का है। तो व्यापार की है, गुरमुखों बेनती करदे हां, दुनिया के अंदर वड्डे वड्डे व्यापारी अज भी हन, अगों लई भी होणगे, इतिहास विच भी वड्डे व्यापारियों के नाम तुसी सुने होने ने। ते व्यापार करन वाले लोग एक आधार दे उत्ते डील करदे ने भी की लवेगा ते की दमेगा, कुछ लैणा कुछ देना, ये व्यापार का असूल है।
बिना दित्तियां कुछ मिलता नहीं व्यापार विच। ते सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ने, कहिंदे भाई व्यापार करना चाहिए, किरत बड़ी चंगी है, पर नाल एक व्यापार होर भी करना बड़ा जरूरी है। वह व्यापार की है? वह है सच का व्यापार। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निब है खेप तुम्हारी। जे किते सच का व्यापार करना सिख लवे ना, फिर ये व्यापार का पदार्थ जिन्ना भी तू इकट्ठा कर लवे कमा लवे, ये खेप ये समग्री तेरी दरगाह तक चली जाएगी, तेरा साथ निभावेगी। इस व्यापार का ढंग भी सतगुरां ने दर्शाया भी इत्थे बेचना की है, इत्थों मिलेगा की। गुरदेव कहिंदे मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। इत्थे बेचना अपना आप है, इत्थे बेचना अपना मन है। जे मन सतगुरां दे अगे बेच देवें, भेट कर देवें, तेरी जिंदगी का कारज ही रास आ जाएगा, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये व्यापार का मूल ढंग बुनियादी ढंग सतगुरां ने साडे सामने रखिया। दुनिया के अंदर गुरमुख प्यारियो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते ने मिलणगे जिहड़े धर्म नूं व्यापार बना लैंदे ने, धर्म नूं धंधा बना लैंदे ने। ज़्यादातर मनुख ने धर्म नूं धंधा ही बनाया है, विरले हन जिहड़े धर्म नूं धर्म समझ के कमाउंदे ने। कुछ ऐसे भी हन जिहड़े धर्म नूं धंधा नहीं बनाउंदे, बल्कि धंधे नूं भी धर्म बना दिंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक देव साहब महाराज का एक सिख होया मनसुख, बड़ा प्रसिद्ध नाम है इतिहास में, लाहौर के रहने वाला बड़ा व्यापारी शाहूकार। एक जदों गुरु नानक देव साहब महाराज की सिखी नूं अपनाउंदा कमाउंदा ना, उस तो बाद इहदे व्यापार का ढंग ही बदल जाता है। तो जिस किसी नाल भी कोई डील करता है व्यापार की, गुरु प्यारियो सामने वाला व्यापारी इहदा ही होके रह जांदा है। सुनिया होवेगा इतिहास विचों राजा शिवनाभ, उहदे नाल इक इहदी ट्रेड मीटिंग हुंदी है, व्यापारक मुलाकात हुंदी है, सौदे डील हुंदे ने भी किहड़ा सौदा की पा लवेंगा ते की पा देवेंगा। इस डील दे आधार दे उत्ते इहदी शिवनाभ नाल जदों मुलाकात हुंदी है ना, इस मुलाकात ने शिवनाभ नूं इन्ना कील के रख दिता है, इन्ना कु प्रभावित किया, इन्ना कु उहदी सोच नूं प्रभावित किया, बदल दिता। शिवनाभ कह उठदा भी मैनू अपना सिख बना लै। इहो जिहे बंदे किते दुनिया विच मिलदे ने, भाव मैं तेरा ही शिष्य विद्यार्थी चेला बनन वास्ते तैयार हाँ। इह ते गुरु की कृपा सी, जे किते अज वाला पखंडी हुंदा ना कोई, उहने ते देर नहीं सी करनी भी शिवनाभ वर्गा राजा जे सिख बनेगा ते दुनिया ते आपे घड़े की मच्छी वाग इहदी परजा ते मेरी सिखी कमाएगी। आम तौर पर बहुते धार्मिक खिते विच विचरन वाले लोगों ने ऐसा किया, वड्डे वड्डे राजियां नूं चेले बनाया। जदों असी गुरु प्यारियो जोग मत बारे पढ़ते हैं ना, सिद्ध गोष्ठ बाणी जिहड़े पढ़ते ने सुनते ने, उहदे विच वड्डे वड्डे राजियां दे नाम भी पढ़न नूं मिलते ने, गोपी चंद वर्गे, भरथरी वर्गे, क्योंकि निशाना ही यह रहा भी चेला बनाउणा है ते किसी राजे नूं बनाउणा है। ये व्यापार किया दुनिया ने धर्म के नाँ के उत्ते। पर शिवनाभ जदों कहिंदा सिख बना लै, मनसुख कहिंदा नहीं, जे सिख बनना ना मैं ते खुद अदे गुरु नानक देव साहब की सिखी नूं सिख रहा हाँ, तू गुरु नानक देव साहब का सिख बन जा। साखी तो बड़ी लंबी है, भाव एक व्यापारी की एक मुलाकात, एक सौदे का आदान प्रदान इन्ना प्रभावित कर गया सामने वाले व्यापारी नूं, राजे नूं, वो खुद ही सिख बन गया है। ये है गुरमुख प्यारियो धंधे नूं भी धर्म बना देना। धंधा ऐसा कर तेरे धंधे तो प्रभावित होके दुनिया तेरे नाल उठ तुरे भी साडा जीवन भी इहदे वर्गा होना चाहीदा। धंधा इन्ना पवित्र होवे कि धंधा ही दुनिया नूं प्रभावित कर जावे भी धर्म कोई चीज़ है, गुरसिखी कोई चीज़ है, गुरु दे
शरण विच रहण दा गुरु की आग्या विच गुरु दियां नज़रां विच जीवन कमाउण दा कुछ वखरा आनंद है। ये गल गुरु के सिखा आपां ने कमाउणी है। तो मैं बेनती कर रहा सी भी कुछ ऐसे गुरमुख जिहड़े धंदे नूं भी धर्म बना दिंदे ने, पर ऐसे भी हन ना जिहड़े धर्म नूं भी धंदा बना दिंदे ने। उन्हां दा धर्म दा प्रचार जां प्रसार करना केवल धंदा है, धर्म नहीं। दुनिया नूं प्रेरणा धार्मिक एंगल तो करनी है, प्रभाव धार्मिक देना है। तो गुरमुख प्यारियो, पर उहदे पिछे करना वपार है। गुरदासपुर जिले के एक डेरे दे विच एक इहो जिहा वपारी जिहड़ा 5-5 हज़ार विच एक खीर की कौली बेच दिंदा है। ध्यान देना, गल नूं समझण की कोशिश करियो। मेरे अपने इलाके विच खन्ने दे नेड़े एक डेरे दे विच धर्म दे नां दे उत्ते वपार कीता जांदा, सब्जियां बेच दित्तियां जांदियां ते 5 हज़ार दा एक कद्दू बेच दित्ता जांदा। आ मैनूं पिछले हफ्ते ही पता लग्गिया मुक्तसर जिले विचों। उस गुरमुख प्यारे ने दस्सिया, कहिंदा वी साडे संपर्क विच इक बंदा है, डेरे दा शरधालु है। उस डेरे दे विच जदों बाबे दी किरपा वाली समगरी आई ना, एक सेब दे उत्ते बोली लगी, एक सेब, केवल एक सेब दे उत्ते शरधालुआं दी बोली लगी, बोली वधदी गई। खरीदण वाले ने अपनी भैण नूं कनेडा विच फोन कीता, जिवें उह दस रिहा, कहण लग्गिया भैण आ सेब बाबे दी किरपा वाला मिल रिहा है, तू लैणा चाहुंदी सी? कहिंदी हाँ। कहिंदी भरावा फिक्र ना कर, बेफिक्र होके बोली ला दे, मैनूं दस दे सेब किन्ने दा मिलदा है, मैं हर कीमत ते खरीदांगी। ते गुरु प्यारियो, उस किरपा दे नां दे उत्ते, धर्म दे नां दे उत्ते सेब जिहड़ा विकिया ना, 12 लाख रुपए उहदी बोली चले गई। और उस शरधालु ने 12 लाख दे विच बड़ी खुशी दे नाल खरीदिया है। उन्हें दस्या, कहिंदा 2500 रुपए की एक मिर्च बिक रही है डेरिया विच। कहण दा भाव, धर्म दे नां दे उत्ते शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, शरीरक शोषण किए जाते हैं। जदों कोई बंदा धंधे नूं धर्म बना के पेश करे ना, फिर माफ करना, वह धर्म नहीं रह जाता, वह धर्म भी व्यापार बन जाता है। किसान गऊं का दुध तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत होंदी है। मेरा आप किसान परिवार का पिछोकड़ है, वड्डी मेहनत नाल तैयार किया हुआ किसान का दुध 30 रुपए लीटर तो वध नहीं विक रहा, गऊ का दुध। तो गुरु प्यारियो, तुसी वेख रहे हो इस संसार विच जदों धर्म की मोहर ला दिती गई है, फिर उस डेरे दियां गऊआं दा पेशाब भी 50 रुपए लीटर विक जाता है। इस तरह व्यापार धर्म के नाँ ते हुंदा है। ते अज गुरदेव ने व्यापार नूं आधार बना के गल कीती है, कहिंदे मैं व्यापारी हाँ। मैं बेनती तां कीती है भी सच दे व्यापार नूं समझना बड़ा जरूरी है। मैं फिर दोहरा दियां, कुछ उह ने जिहड़े धर्म नूं धंधा बनाउंदे ने, व्यापार बनाउंदे ने, कुछ गुरमुख उह ने जिहड़े व्यापार नूं भी धंधे नूं भी अपना धर्म बना लैंदे ने, करदे धंधा ने। विचरण दा ढंग तरीका ऐसा, दुनिया उहनां दे जीवन तो प्रभावित होके धर्म दे नाल जुड़ जाती है। अज गुरदेव कृपा कर रहे ने, आखदे ने, कहिंदे मैं बण जारन राम की। फिर मैं कह दिया, फीमेल जेंडर विच गल चल रही है। गुरदेव कह रहे ने, कहिंदे मैं व्यापारन, व्यापारन भी रब दी। हुण रब खरीदना कोई सौखा थोड़ा है, दुनिया की कीमत नाल ते रब पाया ही नहीं जा सकता। तुसी पढ़दे हो आनंद साहब की बाणी ना, हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विटो, किसे भी वस्तु दे बदले, पदार्थ बदले, मुल ना पाया जाए किसे विटो, रहे लोक बिल लाए। बड़े बरला के रह गए, जतन किते बहुतिया ने, कहंदे पर ऐसा अमोलक सतगुरु, ऐसा सतगुरु जी मिले जिहदी कीमत दुनिया दे धन दौलत नाल नहीं पै सकदी ना,
ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਸਿਰ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਫਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝਾਕੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਅਗਾਹ ਕੂਤ ਰਾਗ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨ ਮੁਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਮਿਹਨਸ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੂਕਰ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੋ ਜਿਉਂ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, PhD ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ऐवें नहीं गुरदेव ने आख्या गुरदेव माता गुरदेव पिता। वाकई सच है पहले गुरु माता पिता ने जिंदगी दे विच बड़ा कुछ दिता है ते बड़ा कुछ देना हुंदा है। दिंदे ने आखरी सवास तक कुछ ना कुछ सिखिया उन्हां दी जिंदगी विच नाल चलदी है। इसलिए जे माता पिता नूं प्रेम ना कर सके सत्कार ना कर सके जे परिवार विच प्रेम दा माहौल ना सिरज सके ते फिर माफ करना फिर धर्म दे विच समाज विच जाके प्रेम करनी आपां पावांगे भुल जाइए फिर उस धर्म की कमाई में। इसलिए प्रेम आधार सिला मैं बेनती संकोच लवां पातशाह कहिंदे जिन्हां ने प्रेम की खेड धर्म की खेड खेडनी है ये फिर सिर बट्टे खेडी जाती है। ऐसा सतगुर जी मिले तिसनो सिर सौंपिए बिच हो आप जाए। जदों बिचों अपना आप चले गया अपनी होमे चले गई गुरमुखो होमे बहुत बड़ी रुकावट है बंदगी दे विच। गुरदेव कहिंदे ने ना होमे नावे नाल विरोध है दोए नावस है इक ठाए। जिथे दो चीजां दा विरोध होवे कदे इकट्ठे नहीं होंदे। गर्मी सर्दी आपा विरोधी ने कदे इकट्ठे नहीं होंदे। तुसी जिंदगी विच कदे नहीं कहा होना भी ठंड भी बड़ी लगती है ते पसीना भी बहुत आ रहा इकट्ठे हो ही नहीं सकते ना। हनेरा अते प्रकाश आपा विरोधी ने नहीं इकट्ठे होणगे। कदे जिंदगी विच कहा भी हनेरा भी बड़ा संघण है ते रोशनी भी बड़ी तेज इकट्ठे हो ही नहीं सकते विरोध है। ऐसे तरह सतगुरु कहिंदे ने नाम अते होमे दा विरोध है दोवें इकट्ठे एक हिरदे दे विच नहीं बस सकते। असी होमे नूं भी पालदे रहिए अंदर होमे नूं भी पट्ठे पाउंदे रहिए ते कहिए नाम भी टिक जावे हिरदे विच गुरमुखो ए कदे भी संभव नहीं हो सकता। सो इसलिए होमे दा त्याग होमे है की है होमे की है गुरमुखो मैं भी कुछ हाँ बस आही होमे है। जिन्ना चिर बंदा कहिंदा भी मैं कुछ करदा मेरे विच कोई गुण है मेरी कोई हस्ती है मेरा कोई रुतबा है मेरा सत्कार होना चाहिए समझ लेना उन्ना चिर असी होमे नूं पाल रहे हैं। जब यह जानना मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जिन्ना चिर अपनी होमे पाल रहा भी मैं कुछ करद मैं कोई समाज सेवी है मैं कोई सेवादार ये अंदर होमे नूं पाल रहा पातशाह कहिंदे गर्भ जोनी तो छुटकारा नहीं जे होना। सो धर्म की कमाई जिहड़ी है ये प्रेम दे अनुसार जां कह लईए प्रेम दे मार्ग ते चलण वाला धर्म है मार्ग। ते अज गुरदेव ने व्यापार नूं आधार बना के समझाया कहिंदे मैं व्यापार कर रहा हाँ व्यापार की है मेरा विशा वस्तु की है मैं खरीदना की है वह है परमेश्वर वाहिगुरु। मैं वनजारन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जी वखर हुंदा वस्तु पदार्थ ते मेरा व्यापार ही है तेरा नाम खरीदना इस वस्तु नूं हासिल करना। ते गुरमुख प्यारियो नाम दी खेड बड़ी निराली है। कल जिन्हां ने सरवण कीता होवे उन्हां दे याद होवेगा भी नाम दी खेड ऐसी नाम साड़ी सुरत नूं नामी तक लेके जांदा। मैं पहला भी बेनती करी है ते नाम केवल जबान नाल जपण वाला शब्द नहीं नाम ते गुरमुखो हिरदे विच दृढ़ करन वाला शब्द है। जिहड़ी गल दृढ़ हो जावे ना मैं बेनती करदा उदाहरण दे तौर ते साडे अंदर साडा अपना नाम बड़ा दृढ़ होया है जिहड़ा भी साडा नाम है। हालांकि जिंदगी विच अपना नाम उचारण करन दी छेती लोड़ नहीं पैंदी। कई बारी हो सकदा महीना महीना भी आपां अपना नाम आप नहीं लैंदे। कोई पुछे तेरा नाम की है उदों ही दसदे आ ना किते कोई पेपर फिल करना है फॉर्म फिल करना है उत्थे लिखना पैंदा नहीं तो अपना नाम आप लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। पर दृढ़ इन्ना होया अंदर इन्ना क वस चुकिया ना मिलदा जुलदा नाम लैके कोई आवाज़ मार रहा होवे असी कन्न चुक के उधर वेखदे आ किते मैनू तो नहीं बुलाया। कारण
वो अंदर दृढ़ हो चुकिया है। सो वो दृढ़ता जिहड़ी साडी अपने नाम की बनी हुई है ना, कितें इहो जिही दृढ़ता सानू वाहगुरु दे परमेश्वर दे नाम की अंदर बन जावे। इन्ना क दृढ़ कर गुरु के सिखा, आओ जप लईए। वाहे गुरु 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 सतगुरु जग्यासु रूप दे विच समझाउंदे ने भी जिंदगी दा मनोरथ है असल विच नाम। हाँ, रस्ता ढंग तरीका माहौल जिहो जिहा मर्जी होवे, माहौल दे उत्ते निर्भर नहीं करदा भी मैं इस कारज नूं इस व्यापार नूं इस बंदगी नूं छड्ड देवां। चार रस्ते ने सनातनी मत दे अंदर धर्म दे मार्ग जिन्हां नूं किहा चार आश्रम भी किहा जांदा है। ते उचार केड़े ने, बाण प्रस्ती जंगली निवास, ब्रह्मचारी गृहस्त दा त्याग, तीसरा है गुरमुखो गृहस्त धर्म, ते चौथा है सन्यास। ये चार आश्रम कहे गए ने। ते गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दा घर हर धर्म दे व्यक्ति नूं बड़ा पवित्र उपदेश बख्शिश करदा, बिना वितकरे बख्शिश करदा। इसे घर दे विचों अवल अल्हा नूर अपाया कुदरत के सब बंदे दी आवाज भी सुन सकते हैं। इसे घर दे विचों राम जां हरी शब्द की आवाज भी सुनते हैं। तो इस करके बिना वितकरे सारे धर्मां नूं सांझा उपदेश गुरदेव बख्शिश करते हैं। तो जिमें मैं उदाहरण के तौर पर एक शब्द लै लिया, किसी मुसलमान वीर नूं उपदेश दिंदिया गुरदेव समझाउंदे ने भी मुसलमान किहो जिहा होना चाहिए, नवाज किहड़ी पढ़नी चाहिए है, किवें पढ़नी चाहिए है, पंज नवाजां किहड़ियां ने। गुरदेव कहिंदे पंज नवाजां वक्त पंज, पंजा पंजी नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाई, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सनाए। पंज नवाजा कहते केड़िया पढ़निया ने, पहला सच, पहली नवाज पढ़नी है सच नू दृढ़ करना, सच नू कमाउना, सच दे उत्ते पहरा देना, सच नाम परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ना। हलाल दोए दूजी नवाज पढ़नी चाहिए है, हलाल दी कमाई हलाल दा जीवन। हलाल ते हराम दा फर्क की है? जिहड़ी साडी अपनी किरत है वह हलाल है साडे लई, भाव हक ही हलाल है। तो जे किरत किसे दी है, डाका असी मारिया किसे ना किसे तरीके, भावें रिश्वत लैके, भावें किसे मजदूर दा हक दब के, भावें किसे होर टेढ़े तरीके दे नाल दूजे दी किरत नूं अपनी पॉकेट विच पाया ना, ये हलाल नहीं फिर हराम हुंदा है, ये पाप हुंदा है। सतगुरु कहिंदे हलाल दी कमाई, गुरदेव ने बड़ी थावां ते किरत की गल की है। मैं समय में रहना जे परमाणा बल चल पिया तो समा बद जाना, तो गुरदेव कहिंदे ने गुर पीर हम ता भरे जा मुरदार न खाए। मुरदार हुंदा मुरदा, कहिंदे मारिया किसे होर ने होवे ते खामे तू कदे भी गुरु तेरी सहायता नहीं करनगे। पाप कमाया किसे होर ने है, तू लुट के उदे पासों किसे ढंग तरीके दे नाल आप खादा
अपने सुखां वास्ते भोगिया कदे भी दरगाह विच गुरु तेरी वाह नहीं जे फड़ेगा। ये दूजी नमाज है हलाल दोई। तीजा खैर खुदाई। तीसरी नमाज गुरु के सिखा पाव हर इंसान नू पढ़नी चाहिए है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का फल। तीजा खैर खुदाई, पाव खुदा दे पासों, अल्लाह दे पासों, रब दे पासों सारिया का भला मंगना, ये तीसरी नमाज है। ते चौथी की है, नीयत रास मन। नीयत साफ होनी चाहिए है, याद रखना नीत विचों नीति बनती है। नीत साफ होवेगी नीतियां साफ होणगियां। नीत विच पाप होवेगा तो बंदे दियां नीतियां भी भैड़ियां होणगियां, बुरियां होणगियां। पाप अंदर सोच नूं पवित्र रखना, विचारां नूं पवित्र रखना, ख्यालां नूं पवित्र रखना, शुद्ध विचार रखने। गुरदेव कहिंदे मन दे विचार बदल लै जे सिखी कमाउणी है, बंदगी करनी है। एक मिनट मैं आप दा लै लवां। गुरु प्यारिओ, धर्म जिहड़ा है ना, सब तो पहला बंदे दे विचार बदलदा। बहुते धर्मां ने की किया, शरीर बदलो रब मिलेगा, कट दिओ कोई शरीर दा हिस्सा थोड़ा जिहा मास रब मिलेगा, पाड़ दिओ कन्नां नूं रब मिलेगा, मुंडन करवा दिओ रब मिलेगा, भद करवा दिओ केसां नूं जड़ां तों पुट दिओ, जैन मार्ग संजम अत साधन रब मिलेगा। जे पितरां नूं स्वर्गां विच पहुंचाउणा है, पूरे शरीर का मुंडन कर दिओ, तुहाडा पिता तुहाडी मां स्वर्गां विच पहुंच जाएगी। जाने कि प्राप्ति का मुख साधन शरीर नूं घड़ना, शरीर नूं कटना, शरीर नूं बदलना मन्निया गया। पर धन गुरु नानक देव साहब कहिंदे ने, कहिंदे जे रब नूं मिलना है ना, फिर शरीर नूं घड़न की लोड़ नहीं, शरीर नूं बदलन की लोड़ नहीं, इहनूं रब्बी दात समझ के संभालिया कर। यह गॉड का गिफ्ट है, इहदा सत्कार करिया कर। हाँ, घड़ना पैना है, बदलना पैना है। तो घड़ना की है? गुरदेव कहिंदे जे रब नूं मिलना तो अपना मन घड़ लै। पढ़ते हो ना जपजी साहब, सरम खंड विच जाके गुरदेव कहिंदे ने, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। जिथे जाके सुरत मत मन बुद्ध ने घड़िया जाना है, फिर चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, गुर शब्द विच सुरत ने जुड़ जाना है, फिर एक घड़ी हुई सुरत बाहर नहीं निकलती, मुड़ के शब्द तो बाहर नहीं आती। सो गुरमुख प्यारियों, मन दे विचार घड़े जाने। पातशाह कहिंदे अपने निजी विचारां नूं मार दे, विचार मारै तरै तारै, उलट जोन ना आवे। फिर विचार किहो जिहा होना चाहिए? पातशाह कहिंदे उत्तम इहो विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। वाहगुरु नाल जुड़ जाना, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन वसिया निरंकार। सब तो उपरला विचार है जदों रब नाल सुरत जुड़ जानी है। धन गुरु नानक देव साहब महाराज ने नहीं आख्या के कौडिया लिया तेरी उंगल बढ़ दिए तेरा भला हो जाएगा। सज्जन नूं नहीं आख्या के सज्जना चोरी की सज़ा हथ बढ़ने का समाज में दस रहे ने, धर्मां में दस रहे ने, लिया तेरे हथ बढ़ दिए तेरा भला हो जाएगा। नहीं, ना भूमिए नूं आख्या, ना किसी होर नूं आख्या। जे आख्या ते आख्या सज्जना असली सज्जन बन जा। सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। असली सज्जन बन जा, तू रब दे दर ते परवान चढ़ जावेगा। सो गुरदेव पातशाह जिवें मुसलमान नूं पंज नवाजां पढ़ाउंदे ने, कहिंदे तीजा खैर खुदाई, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सनाई। फिर सिफत कर खुदा दी, सिफत कर वाहिगुरु दी, फिर ये जीवन परवान चढ़ेगा, तेरियां नवाजां परवान चढ़नगियां। आपां ने भी यही सिख्या लैनी है, पहले चार गुण कमा के गुरु के प्यारिया, फिर तेरा कीता होया नितनेम सफला होवेगा। जे पहले चार ना कमाए फिर गल नहीं जे बाणी, सुरत ने टिकना नहीं, बंदगी परवान नहीं चढ़नी है। ते अज चार आश्रमां दे राही धन गुरु नानक देव साहब कृपा कर रहे ने। कहिंदे माहौल जिहड़ा मर्जी होवे, सवाल है जग्यासू दा, सवाल है गुरमुखो वानप्रस्तियां दा, सवाल है सन्यासियां दा,
वो कहिंदे भी किहड़ा चंगा इन्हां दे विचों गुरदेव अकले अकले का जिक्र कर रहे ने। आओ शरदा भावना प्यार सत्कार दे नाल सुरत नूं एकागर करदियां ध्यान नूं टकाउंदियां होईयां सरवण करिए ते एक बारी रसना दी हाजरी सवारे सारे रल के लवाओ। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी। बैरागण महला पहला। गौड़ी राग दी किस्म है बैरागण ते पहले पातशाह बख्शिश कर रहे हन। हरणी होवा बन बसा। बाण प्रस्ती जड़े जंगलां विच निवास करन विच विश्वास रखदे ने। सतगुरु कहिंदे ऐसा माहौल भी जे जिंदगी विच बने ना हिरना वांगू जंगलां विच रहना पवे ते की खाना होवे। कंद मूल चुन खाओ। खाद खुराक वास्ते 36 प्रकार दे स्वादां वाला भोजन नहीं मिलदा। कंद मूल सुनिया होना शब्द तुसी जिमी कंद सुनिया होना शब्द सकर कंद सकर कंदी भाव जमीन विच पैदा होने वाले मूल कंद मूल शब्द भी इकट्ठा है मूलियां आदिक जंगली पदार्थ जमीन विच होने वाले ये जिहड़ी खुराक है इहो जी खुराक खानी पवे जिथे लूण भी नाल मूली नूं लाउण वास्ते ना मिलदा होवे जिथे कोई होर प्रकार का स्वाद भी ना होवे इहो जे भोजन पदार्थ खा के भी भावें जिंदगी गुजारनी पवे हिरना मिर्गा वर्गी जिंदगी। गुर प्रसादी मेरा सोह मिले। पढ़ दिओ। वार वार हो जाओ जियो। कहिंदे गुरु दी किरपा वरत जावे भाव जीवन बड़ा सादा है खाण पीण बड़ा सादा है पर गुरु दी किरपा वरते वाहिगुरु दी मेहर दी नज़र पै जावे जीवन दे उत्ते गुरु किरपा दे नाल ए जीवन परवान चढ़ जावे। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सिओ चित लाया। चित सतगुरु नाल लग जावे कहिंदे गुर प्रसाद दी मेरा सहो मिले मेरा प्यारा वाहिगुरु मिल जावे ए मूलियां खांदिया भी वार वार हों जाओ जियो। मैं ऐसे जीवन तो भी बलिहार हाँ मैं अपने वाहिगुरु तो भी बलिहार हाँ। भगत कबीर जी ने अपनी जाति नूं आधार बना के एक बचन कहा कहिंदे कबीर मेरी जात को सब को हसने हार। कहिंदे मेरी जात नूं दुनिया मखौल करदी है कोई चुटकला भी बनाउंदा मेरी जात नूं आधार बना के बना लैंदा। कहिंदे पर मैं इस जात नूं भी बुरी नहीं कहिंदा मैं ते चंगा मंनदा भी नीवी जात जिहड़ा समाज विच मन्नी जांदी है उहदे विच मेरा जन्म हो गया किते मैं भी ब्राह्मणा दा पुत हुंदा जाति हंकार विच ही किते ना डुब जांदा। कहिंदे मैं बलिहारी इस जात को जिह जपियो सिरजनहार जिस विच जन्म लै के मैं वाहिगुरु दा नाम जप लिया मैं ते जाति तों भी बलिहार हाँ कुरबान जांदा हाँ। गुरदेव कहिंदे भावें गाजरां मूलियां ते गुजारा करना पवे जिंदगी चलनी होवे पर जे वाहिगुरु मिल गया जीवन परवान चढ़ गया मैं बलिहार जांदा हाँ। मैं बनजारन राम की मैं वाहिगुरु दे नाम दी बपारन हाँ। तेरा नाम बखर बापार जी मेरे वाहिगुरु जी तेरा नाम कमाउणा ही मेरी जिंदगी दा बपार है मेरे बपार दा विशा है। रहाओ विश्राम दे के कृपा करदे हन। कोकिल होवा अंब बसा। कहिंदे जे कोयल वर्गा जीवन भी होवे ब्रह्मचारियां दा भाव संसार तो अलग जिहा रहना ते कोल वर्गा जीवन भी होवे जेकर सहज शब्द विचार अंबां वर्गे रुखां दे उत्ते निवास होवे। तुहानू पता है भी कोयल अंब नू बड़ा पसंद करदी है ते कोल जदों अंब पकदे ने मिठे तराने भी गाउंदी है खुशी विच आ के। सतगुरु कहिंदे कोल वांग उड़दे फिरना किते भी अपनी मेहर तेर दा प्रगटावा ना करना अंबां वर्गे पदार्थ खा के निर्वाह कर लेना। कहिंदे पर सहज शब्द विचार खाण पीण रहन सहन भावें कोल वर्गा होवे पर अंदर परमेश्वर दे नाम दा सहज दा शब्द दा विचार चलदा होवे। गुरमुखो सहज बड़ी अगम्मी खेड है पर अज नहीं आपां लै सकांगे अंदरों टका आ जावे ते ए जीवन भी सफला है। सहज सुभाए मेरा सोह मिले। सहज विच चलदियां होइयां सुभावक ही इस तरह की जिंदगी नाम जपदियां बतीत होवे मेरा वाहिगुरु मैनू मिल जावे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲ ਵਸਾ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ, ਵਸਣਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰ, ਜੀਵਾਂ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਵਸਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਵਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਾ ਸੌ ਮਿਲੈ, ਹੋ ਮਿਲਾਉਗੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਰੂਪੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਨਾਗਣ ਹੋਵਾ ਧਰਵਸਾ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਣ ਸੱਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਣ ਕਹਿ ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਸੈ ਪਹੁ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ, ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ, ਇਹ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬਸਣ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਲਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਮਛਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲ ਵਸਾ,
जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सह बसै हो मिलोगी बहा पसार नागन होवा तर बसा शब्द बसै पौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला गुरबाणी टीवी नू लेटेस्ट अपडेट पाउण वास्ते प्रेस करो बैल आइकन नू।